श्रद्धा हत्या केस में आरोपी आफताब से सच उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट की अड़चन अब खत्म हो गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत दे दी है। हालांकि आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कब होगा अभी यह साफ नहीं हो पाया है। दावा यह किया जा रहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से गुजरने के बाद आफताब से बेहद जरूरी जानकारी पुलिस के हाथ लग सकती है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की दिल्ली पुलिस को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद जल्द ही अब आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। गिरफ्तारी के बाद से लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें अभी वो सबूत भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं जो केस को लेकर सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ श्रद्धा के शव के बाकी अवशेष हैं। ऐसे में अब पुलिस जल्द ही आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने जा रही है, जिसकी इजाजत पुलिस को कोर्ट से मिल गई है। कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने आफताब की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की परमिशन मांगी थी। बताया गया कि कोर्ट से परमिशन मिल गई है, यानी जरूरत पड़ी तो आफताब का नार्को टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए आफताब से सच उगलवाएगी, जिसमें हत्या की असल वजह से लेकर सबूतों के बारे में सवाल किए जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है और कैसे इस टेस्ट के जरिए सच सामने लाने की कोशिश होती है। दरअसल पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में शरीर की एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाती है, जिससे ये पता चलता है कि टेस्ट करवाने वाला कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एक खास किस्म की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में टेस्ट करवाने वाले आदमी का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और हार्ट बीट रिकॉर्ड होती है, जो ग्राफ की शक्ल में नजर आती है। टेस्ट के दौरान अगर शरीर की गतिविधियां बदलती हैं, तो माना यह जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर शरीर की गतिविधियां टेस्ट के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देने के दौरान सामान्य रहे, तो ये माना जाता है कि आदमी सच बोल रहा होता है।